हाँ जी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? बढ़िया हो? ये सिंपल सा डिजाइन है, ये मैं पहले भी कई बार मतलब बता चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। सबसे पहले ये जो है ना, लाइट डार्क कलर से, ये ब्रश से, इस तरह से ये पहले ये बनाने जरूरी है, ठीक है? और जब ये सूख जाए, और मेरे पास अब 8 नंबर का फ्लैट ब्रश है, एक कॉर्नर पे मैंने जो है व्हाइट कलर लगाया है और एक पर ये देखो रेड पिंक कलर, और मैं इसको यहाँ पे रख के ये देखो ऐसे, ये थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा है और इस पे थोड़ा सा ना जोर लगा के चलेगा। पहले ऊपर की तरफ दो बना दिए, ठीक है? और इसमें ना कलर बार बार लगाना पड़ता है, मोटा कपड़ा है ना, सारा पी जाता है कलर। देखो ऐसे, ये 3 ऐसे बना दिए, है ना? सिंपल बिल्कुल, बस इस तरह से करना है और सभी में ऐसे ही करना है। अब इसकी डायरेक्शन उस साइड को जा रही है, ये देखो। जब तक अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आ जाती ना, तब तक इसको 2 या 3 बार करते रहो। ये बन गया है ना, बिल्कुल इजी। इसका चनून का दुपट्टा है और ये देखो, आज तो मुझे बुखार ही हो गया और कोई पेंटिंग नहीं करी सुबह से, बस मैं आराम कर रही हूँ, सो रही हूँ। शुक्र है आज ऑनलाइन क्लास नहीं थी, छुट्टी थी। और ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने। आपको किसी को भी ऑनलाइन क्लास लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास वैसे तो 1 महीना चलेगी, लेकिन उसमें 1 वीक में 2 डेज, मतलब महीने में 4 वीक होते हैं, उसमें एक जैसे सोम मंगलवार 2 दिन क्लास लगेगी ऐसे। और आपको अगर क्लास लगानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया होता है ना, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लगभग कलर मिक्सिंग करना, थोड़ा सा ब्रश चलाना, ब्रश की नॉलेज, ये सब कुछ आ जाता है। तो कम से कम अपने अपने जोगा तो सूट पेंट करना आ ही जाएगा, और फिर आगे आगे प्रैक्टिस करते रहोगे, सफाई आ जाएगी हाथ में, तो आप बाहर भी किसी के कर सकते हो। अब इस पर इस तरफ करेंगे, यहां पर ना थोड़ा सा हाथ को इस तरफ को मोड़ लेंगे, ये देखो। कई बार ऐसे होता है कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ऐसा दिन आ जाता है बस, और फिर बैठा भी नहीं जाता, ऐसे सोचते हैं कि आज तो फ्री चला जाएगा दिन, मेरा कुछ किया भी नहीं। ये देखो, जब भी आपको नींद आए ना, आप अपसेट हो, ठीक नहीं हो, तो सोना बेटर है। सोने से इतना माइंड फ्रेश हो जाता है कि भी कितना मर्जी आप काम कर सकते हो। अब ना मैं इस ब्रश को ना धो रही हूँ अच्छी तरह से, यहाँ पर जो है ना येलो कलर के बनाने हैं फूल, अच्छी तरह से इसमें से कलर निकाल के कपड़े से पोंछ के, और अब मैं इसको येलो कलर से बनाऊंगी। यहाँ पे ये जो गोल है ना, गोल बनाना है येलो कलर का। उसके लिए देखो
जैसे सिंपल है, जैसे इसमें ऐसे ये गोल दो बनाए हैं ना, इसमें बस ये सारे ही ऐसे बनाने हैं। से घुमाते जाओ ब्रश को, जैसे हमने ये दो बनाए थे ना ऐसे, इस ये जो अब इसमें है कि सारा ही यही चीज चलेगी। अब इस साइड बना दो, फिर इस साइड बना दो, बस ऐसे ही करना है। अभी दुपट्टे पर भी करूंगी मैं। हाँ अकेला बंदा ना काम कर कर के थक जाता है, लड़की भी नहीं है ना, दो लड़के ही हैं, और वो लड़कों को इतना काम का। आजकल तो अगर लड़की भी हो तो भी काम नहीं करवाती है, आजकल तो जमाना ही पता नहीं कैसा आ गया है। और मैं जब छोटी थी ना, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फिफ्थ क्लास में थी तब से मैं घर का काम जो है ना सारा ए टू जेड काम करती थी मैं। पहले सूट का लालच देकर ही मम्मी पापा काम करवा लेते थे कि नया सूट लेके देंगे तुझे, और आजकल कोई नहीं काम करता, चाहे सूट का लालच दे दो चाहे कोई लालच। ये देखो अब जहां जहां थोड़ा सा ऐसे है ना, उसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर ये बड़े ब्रश से ऐसे, ये देखो सेट नहीं आ रहा ना बड़ा, तो उसको आप छोटे ब्रश से भी आप कर सकते हो। अब बस एक येलो कलर का ऊपर, जैसे ये फूल बनाए हैं वैसे एक येलो बनाना है बस, और वो ऊपर जो कलियां हैं वो येलो बनानी है बस। ये आप डिजाइन बन गया, अब थोड़ी बहुत जो है इसमें कहीं कहीं जो कोई फिनिशिंग रह रही होगी वो करूंगी मैं। कोई भी चीज होती है ना वो प्रैक्टिस करने से ही आती है, बस प्रैक्टिस करते जाओ उसमें परफेक्शन मिल जाती है। और कुछ ना कुछ करते जरूर रहना चाहिए। अब वो जो ऊपर की साइड वो कलियां है ना, ये यहां पे ये बनाऊंगी अभी बस्सी दो चार। एक दो छोटे छोटे येलो कलर के इस साइड भी बना देते हैं, यहां पर स्पेस बचा है यहां बना देंगे। ठीक है ना, ओके फ्रेंड्स। ये देखो आप जो है ना इस तरह से, ये पीच कलर का सूट है, और उस साइड जो है ना वो दुपट्टा है, अभी दुपट्टा अभी मैंने करना है। ओके फ्रेंड्स, जो मेरा चैनल है बबली आर्टिस्ट गंगानगर, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और एसके क्रिएशन उसको भी सब्सक्राइब कर लो। कभी कोई वीडियो उसमें डाल रही हूँ कभी उसमें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू। और ऑनलाइन क्लासेस मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगी, जैसे फिलहाल तो अभी कपड़ों की ही मतलब ए बी सी ग्रुप में, जैसे जिसको बिल्कुल नहीं आती वो ए ग्रुप, जिसको थोड़ी बहुत आती है बी ग्रुप, जिसको बहुत आती है पर कुछ कुछ प्रॉब्लम है सी ग्रुप। फिर उसके बाद में स्केचिंग और जो है ना ऑयल पेंटिंग के भी शुरू करूंगी, ठीक है। ओके बाय बाय।